हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर पार्ट टू ऑफ द चैप्टर नंबर इलेवन दैट इज फोर्स एंड प्रेशर हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें लास्ट में हमने क्या कवर किया था वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने टाइप की ऑफ फोर्सेज हमने पढ़े थे देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें आपको जो ऑब्जेक्ट है जिसको मूव कराना है उसे आप फिज़िकली टच करते हो और उसके बाद में देर इज़ अ फिज़िकल टच बिटवीन यू एंड ऑब्जेक्ट या फिर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देन हमने पढ़ा था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज वन इज़ मस्कुलर फोर्स एंड अनदर वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जैसे कि आपकी जो एनिमल्स है, हैं वो खींचते हैं पुलों को पुलक काट्स को देन आपने अगर कोई फुटबॉल को किक करा देन इस तरीके की चीज़ें आपने कोई बॉक्स लिफ्ट करा फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो आपका ग्राउंड जो है वो लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया होता है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ज़्यादा कब होता है जब जो सरफेस की रफनेस है वो ज़्यादा होती है अगर सरफेस जो है आपका जिस पे आपकी बॉडी लाई कर रही है और उसको मूव कराना है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी जो है वो लेस होगी ऑल राइट देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि मैंने आपको बोला था कि आज से हम पढ़ेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट सो नाउ वी हैव नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं आपके कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं विच कैन बी एक्जर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट इसमें आपके कुछ फोर्सेज इस तरीके के लगते हैं कि आपको उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना होता और वो बहुत ही डिस्टेंस से जो है आपके फोर्सेज लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल क्या है एक मैगनेट का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जैसे ही आपकी जो मैगनेट है आपके जो आयरन के वो रखे हुए हैं वो क्या करेगी अपनी तरफ पुल करेगी ठीक है आयरन नेल्स को अपनी तरफ पुल करेगी तो इसमें मैग्नेट और आयरन नेल्स के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि आयरन जो आपकी मैग्नेट है उसने किस तरीके का फोर्स अप्लाई करा आपके आयरन की कीलों पर वो करा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है सिमिलरली आपका जो मैग्नेट है वो पुल या फिर पुश पुल मतलब अट्रैक्ट करना पुश मतलब रिपेल करना तो पुल या पुश करता है दूसरी मैग्नेट को इवन व्हेन द टू मैग्नेट्स आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अब दो मैग्नेट्स हैं आप आमने सामने रख दो राइट right? एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल अब जो सेम पोल्स हैं आपको पता है वो रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स से अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर सो so, मैग्नेट क्या करेगी वो जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे डिस्टेंस से भी अगर आप दो मैग्नेट को आपस में टच भी ना कराओ बस आमने सामने थोड़ा सा रख दो तो अगर सेम पोल्स हैं तो वो रिपेल करेंगे और अगर आपकी ऑपोजिट पोल्स हैं आपके तो वो क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे राइट सो दिस इज़ नोन एज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बीच में मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन नीचे लिखवा दिया द फोर्स विच एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दैन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वी हैव मैग्नेटिक फ़ोर्स मैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं फिर से एक बार आपको मैं बता देती हूँ कि मैग्नेटिक फ़ोर्स क्या है मैगनेट जो है आपकी नेल्स या फिर पिन्स को जो आयरन की बनी होती हैं उसको अट्रैक्ट करती है फ्रॉम अ डिस्टेंस मैगनेट जो है दूसरे मैगनेट को भी अट्रैक्ट करती है जो कि अनलाइक पोल्स अगर इकट्ठे ले आए तो और सेम पोल्स को वो रिपेल करती है तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ मैग्नेटिक फोर्स क्या है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर मैगनेट वन मैगनेट चुंबक राइट ये है मैगनेट टू ये है हमारा नॉर्थ पोल ये साउथ पोल दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल अब मैगनेट वन है एम वन मैगनेट टू एम टू ये दोनों एक डिस्टेंस पे जो है प्लेस हो रखी हैं अगर ये जो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल है अब आपको पता है सेम पोल्स क्या करते हैं आपस में दे रिपेल ईच अदर तो ये क्या करेंगे आपस में ऑपोजिट फोर्स लगाएगी और ये मैग्नेट इधर की तरफ ये मैग्नेट इधर की तरफ आएगी सिमिलरली अगर हमारे पास एक मैग्नेट है ये साउथ ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इनको एक डिस्टेंस पे रख दिया तो क्या करेंगे आपस में ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे राइट सो दिस इज नोन एज योअर मैग्नेटिक फोर्स दैन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है द फोर्स एग्जर्टेड बाई एन इलेक्ट्रीफाइड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी फोर्स एक इलेक्ट्रीफाइड बॉडी जो है आप लगाती है किसी के ऊपर तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है आपकी एक कॉम ये है आपकी एक कॉम हमने क्या करा आप इस कॉम को चार्ज कर लो चार्ज किस तरीके से करोगे आप इस कॉम को आप किसी भी सरफेस के ऊपर इस कॉम को रब करो राइट कॉम रब करिए आपने यहाँ पर छोटे छोटे पेपर पीसेज हैं नीचे ये सरफेस है दीज आर पेपर पीसेज तो एक कॉम क्या करेगी इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगी और अपनी तरफ जो है ये पेपर पीसेस को पुल करेगी ठीक है एक पुल दैट इज़ अ फोर्स इट विल अप्लाई ऑन दी पेपर्स सो दिस इज़ नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज़ योर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कंटैक्ट फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स प्रोसेसिंग मास इज़ कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स में मास है जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं वो अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अब क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दो बुक्स आपस में रखी हुई है या फिर दो टेबल हैं और एक बुक है उन टेबल और बुक के बीच में जो एक फ़ोर्स लग रहा है दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स सिमिलरली आप और आपके फ्रेंड खड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगता है जरूर ये नहीं होता कि सिर्फ अर्थ ही जो है आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है बल्कि अगर आप और आपका फ्रेंड भी आमने सामने खड़े होते हो तो एक दूसरे के ऊपर जो है आप फोर्स अप्लाई करते हो अट्रैक्शन और रिपेल्शन का राइट right? कभी भी देखना दो बॉडीज़ कभी भी आप और आपका फ्रेंड आपस आमने सामने खड़े हो ना आप दोनों को खुद फील होगा कि हमारे जो है आपस में एक फोर्स है जो हमारे बीच में लग रहा है राइट देन वी हैव बिटवीन अर्थ एंड मून अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगता है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ही जो हमारा मून है वो उसके अराउंड अबाउट क्या करता है रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशनल फोर्स इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स सो हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ह्यूज मास है उसका सो so, इतने बड़ा जब उसका मास है तो क्या करती है हमारी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है खींचती है एंड इसी वजह से इसी अट्रैक्शन की वजह से इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो भी चीज़ें हम ऊपर फेंकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट अल्टीमेटली कम्स डाउन या फिर हम बोलते हैं जो भी अगर पका हुआ फ्रूट है वो ऊपर क्यों नहीं जाता नीचे ही क्यों आता है जब भी टूटता है वो पेड़ से तो वो नीचे इसलिए आता है नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज कौन सी होती है एस आई यूनिट ऑफ फोर्स है आपकी न्यूटन सो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है दे इन एग्जाम दे कैन आस्क यू अबाउट द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन देन न्यूटन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय एन किलोग्राम फोर्स अब कुछ और यूनिट्स हैं जिससे हम फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं वन इज़ किलोग्राम फोर्स एंड द अदर वन इज़ ग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स वो होता है जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास वन के वर्टिकली अब एक किलो की बॉडी को या फिर एक केजी जिसका मास है उस बॉडी को अगर हम वर्टिकली जिस फोर्स से जितना फोर्स हमें चाहिए हो होता है उस बॉडी को लिफ्ट करने में वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ उसे बोलते हैं हम किलोग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स की यूनिट क्या है आपकी किलोग्राम फोर्स की आपकी यूनिट है के जी एन एफ ऑल राइट देन वी हैव ग्राम फोर्स ग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स रिक्वायर होता है एक ग्राम मास की बॉडी को लिफ्ट करने में वर्टिकली अपवर्ड्स ठीक है देन इट इज डिनोटेड बाय जी एफ सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ वन के जी एफ दैट इज वन किलोग्राम फोर्स कितने ग्राम फोर्स के बराबर होता है इट इज़ इक्वल टू थाउजेंड ग्राम फोर्स तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड हमने एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन करा है कि वन के जी एफ जो है वन किलोग्राम फोर्स ये होता है आपका नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर वन के जी एफ इजक्ल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तभी भी तो आप नाइन पॉइंट एट की जगह वी कैन टेक इट एज़ ट न्यूटन्स तो वन के जी एफ इजक्ल टू टेन न्यूटन्स ठीक है चलिए आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे बढ़ने से पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं देन आगे हम पढ़ेंगे नेम वन कॉन्टैक्ट एंड वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है मस्क्यूलर फोर्स राइट देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इट इज़ न्यूटन और यूनिट एन विच फोर्स एक्ट फ्राम अ डिस्टेंस एंड अट्रैक्ट द आयरन ऐसा कौन सा फोर्स है जो एक डिस्टेंस से जो है एक्ट करता है और आयरन को अट्रैक्ट करता है सो इट इज़ नोन एज मैगनेटिक फोर्स रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स वन के जी एफ इज़ इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन सो दिस इज़ वन के जी एफ इज़ इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन और जो कितना हो गया थाउजेंड ग्राम फोर्स समझ में आ गया सभी को आगे चलते हैं नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपका चलिए उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए तो आपको समझ में आएगा दिस इज अ बॉल राइट दिस इज अ फुटबॉल यहाँ से आया आपका फोर्स अप्लाई हुआ एफ वन यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ F2 टू यहां से फोर्स अप्लाई हुआ आपका F3 अब ये जो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करेगी सो दिस इज़ अ रिज़ल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल मूव कर जाए तो उस डायरे इस, इसको बोलेंगे हम रिज़ल्टेंट फोर्स ठीक है अब जो कंसेप्ट है आपका रिजल्टेंट फोर्स का तो एफ़ जो होगा आपका दैट इज़ रिजल्टेंट फोर्स देखिए यहाँ पर दिस इज़ एफ एफ जो होगा आपका ये होगा एफ़ वन प्लस एफ टू प्लस में एफ थ्री के बराबर समझ में आया चलिए सो रिज़ल्टेंट फोर्स अगर हम डिफाइन करना चाहें इट इज़ डिफाइंड एज अ सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज डन बाय ऑल द फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए इसका मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर हमने टेन न्यूटन का अप्लाई करा यहाँ पर टेन न्यूटन का अप्लाई करा यहाँ टेन न्यूटन का अप्लाई करा ठीक है तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दस दस न्यूटन के अब जो रिजल्टेंट फोर्स है ये बॉडी मूव कितना करेगी रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका थर्टी न्यूटन जितना थर्टी न्यूटन का एक ही आदमी अगर थर्टी न्यूटन का फोर्स इस पर लगा देता तो भी हमारी बॉल उतनी ही मूव करती जितना कि ये दस दस न्यूटन के तीन आदमी इस फोर्स पे इस बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं समझ आया चलो सो so, अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में ही तो अगर हमारा जो फ़ोर्स है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन कहने का मतलब है अगर दो फोर्सेस जैसे कि दिस इज़ अ बॉक्स और यहाँ पर मैन वन है यहाँ पर मैन टू है एम वन एंड एम टू ये अप्लाई कर रहा है टेन न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है टेन न्यूटन का फोर्स अब ये बॉक्स जो है वो कितना मूव करेगा टेन प्लस टेन न्यूटन दैट इज़ ट्वेंटी न्यूटन अगर क्या होता है फिर इसमें कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन तो हमारे जो फोर्सेस होते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो हमारा दोनों फोर्सेस का या फिर जितने भी फोर्सेस हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहे होते हैं उसका सम होता है दूसरा कंडीशन क्या बनती है दो फोर्सेस हमारे अलग अलग डायरेक्शन में लगे फॉर एग्जांपल सी दिस इज बॉक्स वन यहाँ पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है ये ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो है आपका टेन न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अब मुझे ये बताओ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस दोनों अप्लाई कर रहे हैं अब ये जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये बॉक्स मूव करेगा ट्वेंटी माइनस टेन दैट इज़ इज इक्वल टू टेन न्यूटन टेन न्यूटन इन दिस डायरेक्शन समझ में आया तो अगर आपके फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस दैट इज जितना भी फोर्स आपका लगेगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस का देन फोर्स जो होता है वो लार्जर और स्मॉलर ये डिपेंड करता है जो भी ज़्यादा फोर्स होगा उसमें से हम कम फोर्स वाले को माइनस कर देंगे और जो भी डायरेक्शन जो है ज़्यादा फोर्स वाले की बॉडी की है उस डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर जाएगी देन अगर आपकी कोई बॉडी है वो स्टेशनरी है ठीक है स्टेशनरी मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है आपका रिजल्टेंट फोर्स फोर्स तो उसके ऊपर हर डायरेक्शन से लग रहा है तो क्या है अगर आपसे पूछा जाए व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं हर डायरेक्शन में वो आपस में नलीफाई हो जाएंगे मतलब ज़ीरो हो जाएगा क्यों जीरो होगा क्योंकि हर डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं है कोई भी कम नहीं है अगर ज़्यादा होता तो आपकी बॉल मूव करती अगर एक भी फोर्स इसमें से ज़्यादा हो जाता ठीक है चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगी अब देखिए मान लीजिए दिस इज अ रोप यहाँ पर बॉय वन है यहाँ पर बॉय टू है ये दोनों आपस में इस रस्सी को खींच रहे हैं ठीक है बॉय वन जो है क्या करता है अपनी तरफ से हंड्रेड न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस 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 तरीके से बॉय टू जो है ये हंड्रेड न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है यहां पर तो अब मुझे ये बताइए रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा आपका वो कितना आएगा दोनों ही आपस में हंड्रेड न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका आएगा वो आपका आएगा हंड्रेड न्यूटन माइनस में हंड्रेड न्यूटन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब दोनों ही इक्वली फोर्स जो है लगा रहे हैं हंड्रेड न्यूटन का तो रिजल्टेंट फोर्स जो है माइनस हो के ज़ीरो आ जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर बॉ यहाँ तीन बॉडीज़ हैं जो कि अप्लाई कर रही हैं हंड्रेड न्यूटन का फोर्स वन फिफ्टी न्यूटन का फोर्स एंड टू हंड्रेड न्यूटन का फोर्स और यहाँ पर भी तीन जने हैं ये अप्लाई कर रहे हैं आपका सेवेंटी फाइव प्लस हंड्रेड और एक कर रहा है फिफ्टी न्यूटन तो इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा आपका इन तीनों को ऐड कर देंगे हम फोर फिफ्टी और इन तीनों को ऐड कर देंगे हम दैट इज़ टू ट्वेंटी फाइव अब फोर फिफ्टी में से जब हम टू ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो टू ट्वेंटी फाइव न्यूटन जो है वो एक डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा फोर्स जिस जिस भी बॉडी का जिन भी लोगों का फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लग जाएगा अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है आपका व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो जब भी हमारा रिजल्टेंट जो होता है सारे फोर्सेस का एक बॉडी पे जो लगता है वो जीरो होता है सो एट दैट टाइम इट इज़ नोन एज योर बैलेंस फोर्स अब बैलेंस फोर्सेस कब होंगे जब भी हमारी कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे होते हैं अब बैलेंस्ड फोर्सेस क्या काम करती है पहला ये एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में नहीं लेके आ सकती ठीक है किसी भी चीज़ पे अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है तो वो बॉडी को मोशन में नहीं लेके आएगी दूसरा अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो इट कैन नॉट चेंज द स्पीड या फिर विलासिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी ना ही वो स्पीड और ना ही वो विलोसिटी मूविंग बॉडी की बदल सकते थर्ड वन इज़ इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ़ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट वो अपना शेप या फिर साइज़ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं साइज़ सिर्फ राइट सो बैलेंस्ड फोर्सेस का कंडीशन क्या होती है दिस इज़ बॉक्स यहाँ पर भी एफ़ लग रहा होता है दिस वे यहाँ पर भी एफ लग रहा होता है यहाँ इस डायरेक्शन में भी एफ़ फोर्स लग रहा होता है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स एफ लग रहा होता है अब दूसरा फोर्स जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है जब भी रिजल्टेंट जो होता है फोर्सेस का जो बॉडी पे एक्ट करते हैं वो ज़ीरो नहीं होता तो एट दैट टाइम द फोर्स इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स सो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ गेम ऑफ अ टग ऑफ वॉर अब इस टग ऑफ वॉर में क्या होगा फोर्स एक्जर्ट हो रहे हैं दोनों टीम्स के द्वारा इक्वली जिस भी जिस भी टीम के पास ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई करेगी ठीक है वही टीम जीतेगी और अपनी तरफ खींच लेगी चीज़ों को तो उस टाइम में क्या है अगर टीम ए ग्रेट फोर्स अप्लाई कर रही है टीम बी से तो जो सारा का सारा जो झुकाव होगा वो किधर की तरफ चला जाएगा टीम ए की तरफ और मूवमेंट होगी टीम ए की तरफ में ठीक है रस्सी जो है वो टीम ए वाले खींच ले जाएंगे तो इस मूवमेंट को जी अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं कि जब हमारी मूवमेंट हो जाए मोशन करा दे वो बॉडी को दैट इज़ नोन एज योर अनबैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या काम करते हैं पहला ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आते हैं दूसरा ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आते हैं तीसरा ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर देते हैं कि अगर किसी डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है किसी डायरेक्शन में कार चल रही है अगर हमने उससे ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करा तो उसके डायरेक्शन को भी ये चेंज कर सकते हैं अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं फोर्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं अब क्या होता है पहला इफेक्ट होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट जो फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता है ये इसकी स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट को चेंज कर सकता है जैसे कि जब भी आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल आगे की तरफ मूव करती है ठीक है तो उसमें क्या हुआ उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो गया देन दूसरा ये स्टॉप कर सकता है आपका जो फोर्स होते हैं ये स्टॉप कर सकता है एक मूविंग बॉडी को अब मूविंग बॉडी को स्टॉप करने का एग्जाम्पल ये है कि मान लो अगर बॉल आई है ठीक है क्रिकेट खेल रहे हो और एक फील्डर जो है बॉल को कैच करता है तो मोशन में है वो बॉल और जैसे ही वो कैच करेगा तो उसका मोशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा मोशन ख़त्म हो जाएगा बॉल का सो so, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी हमने फोर्स किससे लगाया अपने हैंड से बॉल पे ताकि बॉल को हम पकड़ लें और उससे क्या होगा फोर्स या फिर मोशन जो है वो रुक जाएगा तीसरा क्या होता है अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एक फोर्स जो है ये स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ कर देता है किस तरीके से जैसे कि एक कार चल रही है ठीक है हमने जो है एक्सकिलेटर दबाया एक्सकेलेटर दबाने से होता क्या है कि जिस डायरे डिरेक्ष, जो डायरेक्शन होती है कार की जिस डायरेक्शन जा रही होती है वो और तेज उसकी स्पीड हो जाती है क्यों हमने उस एक्सकिलेटर दबा के उसको फोर्स प्रोवाइड करा है अपनी गाड़ी को ठीक है तीसरा सिमिलरली हमारा जो फोर्स है वो स्पीड डिक्रीज़ कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट की किस तरीके से या तो आप समझ लीजिए कि हमने कार में ब्रेक अप्लाई कर दिए तो या फिर आप समझ लो हम साइकिलिंग कर रहे हैं और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो भी हमने एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर समझ आ गया और कई लड़कियां जो पैरों से स्कूटी रोकती हैं जो आजकल मीम्स बने हुए हैं तो वो भी हम तो फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना ग्राउंड पे ताकि वो हमारी जो स्कूटी है वो रुक जाए देन सेकेंड वन इज़ कि कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज करता है दूसरा है आपका चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं ये तो ये देखिए Uh, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है देर मैनी एक्टिविटीज़ दैट शो दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अब ड्यूरिंग अ गेम ऑफ अ क्रिकेट तो क्या होता है बैट्समैन जो होता है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विद एट सूटेबल एंगल किस तरीके से चेंज हुई इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपकी तरफ बॉल आई ठीक है बहुत तेज़ी से बॉल आई आपने क्या करा बैट से मारा उस बॉल को तो जैसे ही आप बैट से उस बॉल को मारोगे तो एक सूटेबल एंगल के साथ आपकी बॉल जो है रिफ्लक्स होकर वापस जाएगी डायरेक्शन कोई और थी जिस डायरेक्शन में बॉल आई लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करा अब वो बॉल वहाँ पर गई तो दोनों में क्या हुआ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ बॉल तीसरा क्या करता है इफेक्ट हमारा फोर्स का तीसरा इफेक्ट है कैन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शेप और साइज किस तरीके से ऑब्जेक्ट का चेंज करता है फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इन्फ्लेटेड बैलून है ठीक है उसको हम दोनों हाथों से प्रेस करते हैं एक बैलून को तो उसका शेप भी बदलेगा और उसका साइज भी बदलेगा दूसरा अगर हम किसी आटे के बैग को भी अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो उसका साइज शेप बदलेगी कोई स्प्रिंग है हमारे पास ठीक है हम उसको अगर खींचते हैं तो शेप और साइज़ उसका बदलेगा सिमिलरली अगर हम किसी इलास्टिक को पुल करते हैं तो वो भी शेप साइज़ उसका बदलेगा फोम स्पॉन्ज ये सब चीज़ें हैं जो आपका शेप और साइज को जो है हट करवा देती हैं चेंज फोर्थ पॉइंट इज कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरीके से अगर कोई फील्डर है वो मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो क्या करता है वो उसके मोशन को स्टॉप कर देता है तो फोर्स जो है वो एक स्टॉप कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट को सिमिलरली कोई साइकिल बाहर से चला के आ रहा है और आपने उस साइकिल को रोक दिया फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ब्रेक्स या आपके सामने खड़े हो गए और उसको इस तरीके से रोक दिया साइकिल को तो भी हमारा क्या होता है कि हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देते हैं पाँचवा पॉइंट है कि ये जो हमारी फोर्स है ये स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज भी कर देता है कैसे कि अगर हमने एक्सीटर दबाया ज़्यादा फोर्स दिया तो हमने आगे चला लिया पैडल मारा साइकिल पे ज़्यादा फोर्स लगाया हमारी साइकिल आगे चलेगी अगर हमने ब्रेक मारा तो हमारी साइकिल जो है रुक गई या फिर कार रुक गई सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे तो ये था आपके इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस कल हम करेंगे प्रेशर कुछ न्यूमेरिकल्स और मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा आपको एन पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट हो रहा है मैं आपको सारा करा रही हूँ विद क्वेश्चन एंड आंसर सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स योर फैमिली टेक केयर ऑफ़ योर टिल देन बाय बाय एंड आई एम स्वातिर मेरी तरफ से टेक केयर